तरीके से यहाँ तो फ्री राशन बट रहा और वहाँ राशन के लिए जो है लाइनें लग रही हैं। तो लाइन लग रही जो नेता लोग हैं चेहरे इस बात ने अगले में समझौता करना है तो यहाँ तो राशन बहुत देता उन्हें फ्री छका देंगे। हिंदुस्तान उनके कब्जे में कहाँ है, हिंदुस्तान की पावर तो हिंदुस्तान की है, वो धमकी तो दे बस आतंकवाद मचावे में और बाकी उन्हें कुछ नहीं बस बस का है। वहाँ जो खुद ही जनता भुक्की मर रही हर जो मोदी जी से सीधी बात करते हुए योगी जी तो है मतलब आतंकवाद खत्म करते अपना आपस में इनते लेन देन करते भुखमरी थोड़े बचे थे वहाँ से। यहाँ बहुत राशन है हिंदुस्तान में मर रहे वहाँ बच्चे टेलीविजन में देखते आटा वहाँ 200-250 रुपये किलो बता रहे तो उन्होंने बताओ यहाँ आटे की कमी है अनाज इतना फ्री दे दे मरी हिंदुस्तान की सरकार। इस समय पाकिस्तान के हालात पर पूरी दुनिया चिंता कर रही है लेकिन क्या पाकिस्तान को अपनी हालात पर चिंता नहीं है? जिस तरीके से वहां आटे के लिए लाइन लग रही है, लोग दूध के लिए एक दूसरे से छीन रहे हैं, भीड़ है, पाकिस्तान कर्ज मांगता फिर रहा है, ऐसे में वहां के किसानों की क्या हालात है? क्या वहां के किसानों ने सरेंडर कर दिया? वहीं यहाँ पर उत्तर प्रदेश के किसान है, भारत के किसान है, उनके मन में क्या है, वो कैसे देखते हैं? क्या यहाँ का किसान, भले सरकार अलग है, क्या यहाँ का किसान पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहता है जिस हालातों में आज पाकिस्तान है? धर्मेंद्र जी ये बताइए कैसे देखते हैं आज जो पाकिस्तान के हालात है उनको? देखो जैसा सुना करा बोरा कैसा काट रहा हो, अगर उसमें समझदारी होती और कुछ होता तो ये आज बांग्लादेश की डालता के करता, जिस तरह बांग्लादेश ऊपर जा रहा था वही करीब उठता। क्या रहा, क्या कारण मानते हैं आप पाकिस्तान की इस बर्बादी का? कारण तो यही है जी, उसका कारण सारा साफ हो जाएगा, हिंदुस्तान के लोग उसके अच्छे संबंध हो जाने, उसके सारे कारण खत्म हो जाने, तरक्की करा बढ़िया बड़ी होगी। जैसे आप किसान हैं, आप क्या चाहेंगे वहाँ के लोगों तक आटा दाल चीनी गन्ना ये सब पहुँचे या नहीं पहुँचे? हिंदुस्तान में राशन फ्री मिल रहा 80 करोड़ लोग, अगर हमारी सरकार चाहे और उनकी सरकार चाहे अगर एक कार्ड बताए 50 किलो क्या 50 ग्राम एक यूनिट बताए ना चलेगा, पाकिस्तान बचावे नहीं, 2 दिन में उनकी भुखमरी खत्म हो। जिस तरीके से पाकिस्तान जिन हालातों में है आज आप किसान भी हैं, क्या भारत पाकिस्तान की मदद कर सकता है अनाज में चीनी में दाल में? भारत तो पाकिस्तान तो कर नहीं सकता लेकिन भारत कर सके, भारत पर इतना अन्याय बहुत ज्यादा है उनकी पूर्ति कर सके। अच्छा। लेकिन जी मैं इसको विरोध समझा मेरे भाइयों को बच्चों को वहां मार रहे हैं तो फिर हमारा देश ही क्यों उनकी मदद करेगा? लेकिन आपको क्या लगता है जिस तरीके से यहाँ तो फ्री राशन बट रहा और वहाँ राशन के लिए जो है लाइनें लग रही हैं? तो लाइन लग रही जो नेता लोग हैं चेहरे इस बात ने अगले में समझौता करें तो यहाँ तो राशन बहुत देता उन्हें फ्री छका देगी यहाँ की जनता। अच्छा। मतलब सरकार यहाँ इतना अनाज पैदा हो चीनी वो तो बार बार धमकी देता है हम एटॉमिक पावर है हम जो है हिंदुस्तान को बच के रहना चाहिए। जी नहीं, हिंदुस्तान उनके कब्जे में कहाँ है, हिंदुस्तान की पावर तो हिंदुस्तान की है, वो धमकी तो दे बस आतंकवाद मचावे में और बाकी उनमें कुछ भी नहीं बस बस का है, वहाँ खुद ही जनता भुक्की मर रही क्या कर सके हमें। तो क्या लग रहा आने वाला भविष्य, कह रहे भाई अब तो पाकिस्तान टूट भी सकता है और भारत अपना कश्मीर वापिस भी ले सकता है? नहीं भारत तो ले लेगा अपना कश्मीर वापिस, वो तो अपने आप ही आ जाएगा जी वहाँ भुखरी मिस्त्री। तो क्या मानते हैं इसमें पाकिस्तान की जनता की कोई गलती है या वहाँ के हुक्मरानों की गलती है? हुक्मरानों की गलती है, जनता की क्या गलती होती है? जनता तो जो नेता लोग हैं जो इन्हें घमाए दें कुछ लोग उनके पीछे लग लें तो जनता तो ऐसी वहाँ से ऐसी वहाँ है। कुछ लोग थे नेता थे जो वहाँ जाके बयान देते थे भाई क्या नाम है मोदी को हटाना है तो पाकिस्तान हमारी मदद करे, आज उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहाँ जाके वो मदद मांगते थे आज जो सबसे भीख मांग रहा है? तो देखो जी वह इस वजह से गए थे आज उनके सामने क्यों नहीं जा रहे हैं उन नेताओं के, यहाँ तो रसन पचो देखो हर जो मोदी जी से सीधी बात करते हुए योगी जी तो मतलब आतंकवाद खत्म करते अपना आपस में इनते लेन देन करते भुखमरी थोड़े बचे थे वहां से, यहाँ बहुत रसन है हिंदुस्तान में। हमने टीवी पे देखा मोबाइल में देखा वहां की जनता रो रही है बच्चे भूखे हैं मर रहे वहां बच्चे टेलीविजन में देखते आटा वहां 200-250 रुपए किलो बता रहे तो उन्होंने बताओ यहाँ आटे की कमी है अनाज इतना फ्री दे दे मरी हिंदुस्तान की सरकार। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो भारत को उसने पहले परेशान करा आतंकवाद फैलाया आज उसकी कीमत भुगत रहा है। हाँ उसी की कीमत भुगत रहा है, थोड़े मारे सैनिक मारे उन्हें यही तो वजह हो रही है जो भूखे मर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे वहां की जनता के बारे में?
बाकी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो वर्जन हम आगे नेता हमारे मोदी जी से मिले या उनके मतलब लेन देन अपना आपस में करे, उन्हें सारी चीजें यहाँ तक सारी चीज मिलेंगी। तो ये कहते हैं कि देखिए मैंने पाकिस्तान को कटोरा लेके भीख मंगवा दी, तो भीख तो उनकी जीव उनकी गलती है, नहीं तो मंगवाई। और जो उनकी जनता उनके सामने झुका है मोदी जी के, तो भीख थोड़े मांगन देंगे फिर ये। तो आपको क्या लगता है अगर मोदी जी के सामने झुके तो मदद करनी चाहिए? करेंगे, करनी चाहिए। जो अपनी शरण में आ जाए आदमी, उसकी तो हर आदमी मदद करेगा। तो देखिए एक तरफ पाकिस्तान की जनता अगर देख रही होगी तो हम हिंदुस्तान के किसान है और यहाँ किसानों के बीच में बैठे हैं, और बिल्कुल साफ इनका कहना है कि भाई कहीं ना कहीं जब फ्री राशन भारत दे सकता है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को देने में क्या दिक्कत थी, 80 करोड़ जनता यहाँ की भी खा रही।